गाइस, कुछ दिन पहले ये उड़ती हुई खबर आई थी, हमने भी देखा था कि एक्चुअली मास्क में मिथिला पेंटिंग का प्रचलन काफी ज्यादा फेमस हो रहा था। मिथिला पेंटिंग, जैसा कि आपको याद हो अगर आपने हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट वाली वीडियो अगर देखी है, तो मिथिला पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ बिहार। सो वहां से कहीं ना कहीं मिथिला पेंटिंग इन मास्क, जो COVID-19 के बाद काफी ज्यादा ये हो गया, जरूरी हो गया, कंपलसरी हो गया, तो उसमें ये मिथिला पेंटिंग्स का प्रिंट वाला मास्क काफी ज्यादा फेमस हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे गाइस, तो हमारे साथ इस वीडियो तक बनी रहिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। तो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश कश्यप और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स। कैसे हो आप लोग? तो सब ठीक हो गए, मस्त हो गए। तो गाइस, पिछले कुछ दिनों में हमने ये काफी ज्यादा उड़ती हुई खबर सुनी थी कि मिथिला पेंटिंग के प्रिंट वाले जो मास्क जो है वो अवेलेबल हो रहे हैं ऑनलाइन एंड फॉर ऑफलाइन शॉपिंग। ठीक है भाई, बट ये एक्चुअली स्टार्ट किसने किया, किसने इसकी नींव रखी, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी बारे में बात करने वाले। रेमंत कुमार मिश्रा, ये बिहार के मधुबनी जिले से आते हैं और ये काफी ज्यादा एक पहले इंसान बने जिन्होंने एक ऐसा कुछ सोचा और मास्क जैसे चीज पे मिथिला पेंटिंग्स को उतार दिया, और आज के दिन में ये काफी ज्यादा एक वर्ल्ड फेमस चीज है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अपने एक वीडियो में, पिछले ही कुछ वीडियो में, कि हमारे को अगर एक आर्टिजन हो आप, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, तो जरूरी है आपको कि आप कुछ इनोवेटिव करो और कुछ अलग सा लेके आओ। और ये आप देखो इस मिश्रा जी को, कि जिन्होंने ये COVID-19 के कारण, आप समझ लो COVID-19 का जो पेंडेमिक जो हुआ उसके बाद उसमें इनोवेशन लेके आना और आर्ट का मिलन और साथ में सेफ्टी का मिलन, इन दोनों को आपस में जोड़ के मास्क और जो उनके स्टेट का ट्रेडिशनल क्राफ्ट है मिथिला पेंटिंग, उसको साथ में जोड़ के इन्होंने एक बहुत अच्छा इनोवेशन किया। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ मिश्रा जी को, रेमंत कुमार मिश्रा जी को। और अगर आप मधुबनी जिले से हैं मेरे व्यूअर्स लोग, तो प्लीज़ जाके आप अगर उनसे अगर बातचीत कर पाओ तो उन्हें मेरा प्यार पहुँचाना और मेरा एक तरह से जिसको मैं बोलूँ कि ग्रैटिट्यूड पहुँचाना। लेकिन यहाँ पे एक और बात पे हम लोग बात करते हैं। 9 मार्च 2020 उस दिन उन्होंने 650 मास्क को उन्होंने प्रोड्यूस किया विथ मिथिला पेंटिंग नेट, और उसको उन्होंने अपने कोवर्कर्स और अपने जो कलीग लोग जो थे उन पे उन्होंने बांट दिया और उनसे फीडबैक मांगा कि आप हमें बताओ कि कैसा है ये मास्क। ठीक है, और वहां से ये चालू हुआ। और फिर जब फीडबैक जब अच्छा जब मिला, तब उन्होंने डिसाइड किया कि इसको एज अ बिजनेस हमें आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, और उसके बाद ये आज का दिन है जब हम लगभग एक साल बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं, और आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा एक ट्रांजिशन हो गया है उनके उनके लाइफ में और उनके जैसे आर्टिस्ट और आर्टिजन, हमारे जैसे आर्टिस्ट और आर्टिजन के लाइफ में। तो मिश्रा जी एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन के रूप में हमारे लिए आते हैं। ये एक बहुत एक स्टार्टिंग फेज है जहां से हमारे जो मास्क मैन है या फिर मधुबनी जिले के जो मिथिला पेंटर है, एक टाइम पे जो आर्टिस्ट जो हुआ करते थे, आज वो मास्क मैन के रूप में प्रचलित हो चुका है रेमंत कुमार मिश्रा। आज देश भर में क्या लोग विदेशों से रेमंत कुमार मिश्रा को पहचानने लगे हैं, और इस कारण से हमारे कंट्री का भी एक बहुत बड़ा विकास हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला भी था गाइस, हमारे गवर्नमेंट प्रमोट हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट वाली वीडियो में, कि अगर गवर्नमेंट प्रमोट करेगा हैंडीक्राफ्ट को, ट्रेडिशनल क्राफ्ट को, तो उससे क्या होगा, टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट होते आएंगे कि भाई ये एक अलग तरह का कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्ट हमें उस वहां पे चाहिए। ठीक है, अब ये जो मिथिला पेंटिंग जो बना मास्क में, और जो कि वो ऑनलाइन शिपिंग के लिए भी वो
अवेलेबल हो गया तो वहां से एक अलग ही ट्रांजिशन हो गया। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मिश्रा जी आज बस खाली अवेलेबल है और ये बिजनेस कर रहे हैं, आज लाखों लाखों के तादाद पे आर्टिस्ट लोग लगे हुए हैं जिनका काम यही है कि मास्क में मिथिला पेंटिंग प्रिंट वाली मास्क बेसिकली प्रोड्यूस करना और बिजनेस करना, और ये बहुत अच्छा उपाय है। आप सोचो तो COVID-19 में बहुत सारे आर्टिस्ट आर्टिजन और सभी लोग एक्चुअली बहुत सारे लोग वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और ये सब। अब एक होता कि वो रोते रहते कि भाई मैं अनएम्प्लॉयड हो गया एंड ऑल, और दूसरा होता कि जो उन्होंने किया कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपना एक बिजनेस मॉडल बनाया और देखिए उनकी दिमाग को। और यही मैंने आपको बोला कि क्रिएटिविटी इनोवेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट या आर्टिजन में होना, और इसीलिए हम आर्टिस्ट और आर्टिजन को कभी भी जॉब की कमी होनी नहीं चाहिए और होती भी नहीं है। तो ये सोचो गाइस कि सबसे बड़ी बात है कि मास्क में पेंटिंग्स को उतार दिया और आज एक बड़ी तादाद पे बिजनेस हो रहा है। कभी अगर मुझे मौका अगर मिलेगा तो मैं रेवंत कुमार मिश्रा जी से इंटरव्यू करूंगा और चैनल पे जरूर से जरूर डालूंगा। आप कमेंट बॉक्स में भी लिखो, अगर आप ज्यादा से ज्यादा तादाद पे अगर आप लिखते हो तो हम लोग जरूर इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उनसे टच में रहने की। और साथ ही साथ इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही गाइस। दोस्तों अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, अगर आपने पसंद किया तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ आर्टिस्ट और आर्टिजन के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हो गाइस तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। मैं एक और नए आर्ट और क्राफ्ट के वीडियो के साथ अगले संडे या फिर मंडे हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।